मंगलवार सुबह निरसा में दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां 3 अलग अलग जगहों पर चाल धसने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि धनबाद के निरसा में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। गरीब लोग जान जोखिम में डालकर कोयला खनन करने के लिए खदान में प्रवेश करते हैं। मंगलवार सुबह 3 अलग अलग घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली घटना निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर OCP का है, जहां अवैध उत्खनन के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग के अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना पंचायत ओपी क्षेत्र के बसंती माता कोलियरी के सी पैच के समीप का है, जहां 3 महिला की मौत हो गई, जबकि तीसरी घटना निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा OCP के समीप का है, जहां चाल धसने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद से ही पूरे निरसा क्षेत्र में हड़कंप समझ गया है। वहीं कोयला चोरों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इन दिनों निरसा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे अवैध उत्खनन के मुहाने खुले हुए हैं, जहां कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन दिनों निरसा क्षेत्र में कोयला चोरी चरम पर है। अवैध कोयला कारोबारी मालेमाल हो रहे हैं, जबकि गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लोग अपनी जान दे रहे हैं। इसके संबंधित मामले में निरसा SDPO ने कहा कि तमाम थाना प्रभारी से बात की है और जिन जिन थाना क्षेत्र की घटना है वहां जाकर वास्तविकता पता करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक हम लोगों को लिखित शिकायत नहीं मिली है, मिलते ही इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने सभी ECL से भी बातें की है, उनके तथा निरसा CO के आने के बाद हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे। अभी हम लोग को भी सूचना मिला है, गोपीनाथपुर में ओपन कास्ट माइंस है और वहाँ पर चाल धसने की सूचना मिली है, और ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से वहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि 7-8 लोग दबे होने की या तो घायल होने की वहाँ पर सूचना मिली है। तो उस संबंध में हम लोग शॉर्ट टाइम में मीटिंग भी अभी बुलाई, ECL के सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाए थे क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में है, और महाप्रबंधक से पत्राचार हम लोग किए हैं। साथ ही वहाँ पर जब तक पूरा हटाया नहीं जाएगा तब तक कहना मुश्किल है कि उस घटना में कोई हताहत हुए हैं अथवा नहीं है, तो उसको हम लोग प्रारंभिक सूचना का सत्यापन करने के लिए अभी जा रहे हैं। CO साहब से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, वो भी हम लोग का ज्वाइंट टीम में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसका वास्तविकता क्या है। और अन्य जगहों पर जो भी सूचना मिली है सबका सत्यापन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास कोई भी हताहत होने का व्यक्ति का पारिवारिक या तो कोई लोग सूचना नहीं दिए हैं कि हमारे घर के लोग के साथ कुछ घटना हुई है। सभी बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही उसमें सत्यापन होगा फिर आप लोगों को फर्दर उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे, भर रहे हैं। और आज भी ECL वाला को उसी संबंध में हम लोग बुलाए थे, पूर्व से निर्धारित था मीटिंग हम लोग का कि कैसे कोऑर्डिनेशन बना के कि उसको अविलंब जो भी जगह है अपने जगह से सत्यापन करे सूचना का कि कहां पर अवैध रूप से लोग उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। आज जॉइंट बैठक भी सभी थाना प्रभारियों से उनका हम लोगों ने कराया है कि आप लोग सामूहिक रूप से जाकर स्थल निरीक्षण कीजिए कि कहां पर इस तरह का उत्खनन का कार्य होता है और अविलंब उसको भराई करने और जो लोग उसमें शामिल हैं उसको चिन्हित करने के लिए काम करने का सबको निर्देशन दिया गया है। और साथ ही साथ जितने भी सर्किल इंस्पेक्टर हैं और हमारे खुद के द्वारा भी स्थल का जांच किया जा रहा है, और इसे पिछले माह भी हम लोग काफ़ी जगह पर भरवाए हैं, हर एक थाना क्षेत्र में जहाँ भी सूचना मिला हम लोग उसको भरवाए हैं। फिर अभी 26 जनवरी में सब विधि व्यवस्था और बाकी चीज़ों में व्यस्त होने के कारण संभवतः कहीं पर कुछ लोग खोदे होंगे, तो उसको हम तुरंत में हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उसको विलंब भरा के बंद कराने का काम करेंगे।